Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share few healthy habits that will change your life, because I'm following these habits from a long time and I thought I should share these healthy habits with you guys, because you know, so many of you ask me how I organize everything in my life, from house to work. So today I'm sharing few healthy habits which I'm following from a long time. So without wasting any time, let's get started. First healthy habit is very overdone, which is wake up earlier, right? बहुत आप ये बात सुनते हो, जल्दी उठोगे तो सारे काम होंगे, but which is 100% right. अगर आप जल्दी उठते हो और जिस दिन लेट उठते हो, आप कंपैरिजन करके देखोगे कि जिस दिन आप जल्दी उठोगे उस दिन आपके 2-3 काम एक्स्ट्रा हो जाएंगे. अगर आप स्कूल जाते हो, जब कॉलेज जाते हो, ट्राई टू वेक अप अर्ली, क्योंकि अगर आप उठने से पहले 1-2 काम अपने लाइफ के निपटा दोगे तो वो आप अगले दिन के लिए नहीं छोड़ोगे, जिससे क्या है, आपको कोई भी आपको अचीव करने की चीज़ वो थोड़ी जल्दी होगी और आपकी काम जल्दी निपटेंगे. तो एक हेल्दी हैबिट है, थोड़े दिनों के लिए ट्राई करके देखो. जल्दी उठो, वॉक पे जाओ, थोड़े अपने काम निपटाओ, तो इवेंचुअली आप खुद अच्छा फील करने लग पड़ोगे, जिससे आप खुश रहोगे और आपके काम जल्दी होंगे. सो अनदर थिंग इज़, जब आप उठते हो मॉर्निंग में और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट अपना फ़ोन और अलार्म थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे आप जब आपका अलार्म बजेगा तो आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, जिससे आप थोड़ा जल्दी उठने की ट्राई करेंगे. Next healthy habit which I really appreciate is I always prepare my day in advance. So जो भी मुझे next day करना होता है उसका मैं पहले से plan कर लेती हूँ, agenda बनाती हूँ कि मुझे next day क्या करना है. अगर मुझे videos बनानी है तो उसको मैं plan करती हूँ कि मुझे कैसे करना है. मुझे कोई meeting attend करनी है तो उसके लिए मैं पहले से prepare होती हूँ. workout clothes, office clothes, जहाँ कहीं जाना होता है मैं पहले से वो arrange करके रखती हूँ, iron करके रखती हूँ. next दिन के लिए मैं कभी dependent नहीं रहती हूँ. So always plan your day. Next healthy habit is prepare your meals. So agar aap working lady ho, it's really difficult to manage work and house both simultaneous, but there is another way to make a balance in your work life and your house chores. So what you can do is prepare your meals. Aap ek din aisa rakh sakte ho jis din aap sara saman leke aate ho, vegetables leke aate ho, to unko thoda sa chop karke rakh sakte ho, ek list bana ke rakhe ki aapne pura week kya banana hai. To aapko time aapka waste nahi hota sochne mein ki aapko kya banana hai. Isse kya hota hai, एक तो आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, प्लस इससे आपके जो पैसे बचेंगे, प्लस एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको ये अच्छा है कि आप घर का खाना खाएं. तो आप मील प्रेपिंग करते हुए सब्जियां काट के रख सकते हो, जिससे आपको कुकिंग करते हुए काफ़ी टाइम बचता है. तो आप सब्जियों को एक ज़िपलॉक पाउच में रख सकते हो, टाइटली फ्रिज में रख सकते हो, जिससे 2-3 दिन निकल सकते हैं. बट ट्राई करें कि फ्रेश सब्जियां खाएं, क्योंकि फ्रेश सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स अलग ही होते हैं, अच्छे होते हैं, और जितना पुरानी होगी उसके उतने न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. बट नहीं टाइम है तो आप हमेशा उनको ज़िपलॉक पाउच में रखें और जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें. स्टार्ट रीडिंग बुक्स. सो एटलीस्ट 2 चैप्टर आप बुक्स के कोई भी पढ़िए, कोई भी जो आपको बुक्स पसंद है वो आप पढ़िए. ज़रूरी नहीं आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं. इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपका वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, और आप एक अच्छा फील करोगे कि आप कुछ सीख रहे हो. हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते हो, तो एक बहुत ही अच्छी हेल्दी हैबिट है. जो आप अपनाओगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे. नेक्स्ट इज़ मेक योर सेल्फ अ बजट. तो आप इनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करिए. तो बट उनसे पहले आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, फिर उसके बाद आप डिवाइड कीजिए कि आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, जिनमें रेंट आएगा, देन बिल्स आएंगे, ग्रोसरी वगैरह सब आएगा, देन उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंसेस कितना जाएगा, देन उसके बाद जो दोनों घर का और आपका बचा के बचता है वो आपकी सेविंग्स होगी. जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री फील करोगे कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और ये आपका अपना है, और प्लस सेविंग्स है अगले मंथ के लिए. आप चाहे तो इसको किसी भी एक्सेल शीट पे वर्कआउट कर सकते हो, चाहे आप इसको किसी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, बट आप जब इससे करोगे आप एक ह्यूज डिफरेंस फील करोगे. Next healthy habit is get yourself some fresh air. Just don't get stuck to only your couch. Don't just only watch movies, TV series at home only. Just go outside. Just
ग्रोसरी लेने आप चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ, जब वॉक पे जाते हो आप तो सबसे बेस्ट है वो, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए डेली आप वॉक दो, अपना माइंड रिफ्रेश करो. अगर आप बोर होते हो चलते हुए तो जस्ट यू नो प्लग सम ईयरफोन्स इन और एक वॉक के लिए निकल जाओ, क्योंकि एक मस्ट है आपकी लाइफ में, एक फ्रेश एयर होना आपको मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है, एक ब्रेन फ्रेश होता है. सो इट्स अ मस्ट मस्ट हैव, गो फॉर अ वॉक, कुछ भी करो बट अपने आप को टाइम दो डेली लाइफ में 10-15 मिनट्स के लिए वॉक करो. सो अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, तो वो आपकी वॉक हो जाती है 10-15 मिनट्स के लिए, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप 10-15 मिनट्स की एक वॉक पे ज़रूर जाओ. तो वो चाहे किसी न किसी फॉर्म के लिए हो, चाहे आपने दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, कुछ भी करो बट एटलीस्ट अपने आप को थोड़ी फ्रेश एयर. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग आई डू एवरी डे. आई ट्राई टू स्टे क्लोज टू नेचर, तो मुझे पार्क्स और नॉर्मल वॉक के लिए जाना बहुत ही पसंद है, और आई मेक श्योर कि मैं ये डेली करूं और इसको मैं एक डेली हैबिट मैंने बना चुकी हूं. एंड द नेक्स्ट हेल्दी हैबिट व्हिच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इज जस्ट गिव योरसेल्फ अ टाइम इन अ वीक एटलीस्ट. सो मैं अपने आप को एक टाइम देती हूं, एक दिन ऐसा वीक में होता है जिसमें मैं कुछ नहीं करना पसंद करती हूं, जस्ट अपने आप को पैम्पर करना पसंद करती हूं. आई डू होम रेमेडीज, फेस पैक्स, यू नो हेयर स्पा एट होम, और समटाइम्स यू नो आप सैलून चले जाओ, अपने आप को पैम्पर करवाओ, स्पा टाइम लो, जस्ट एक यू नो माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने आप को टाइम दो. वो जो टाइम होना चाहिए उसको मी टाइम बोलो, आपके वो मेरा ही टाइम है, सिर्फ वो मुझे अपने माइंड को फ्रेश करना है. पूरा वीक मैंने काम किया है बट वो एक दिन मुझे अपने के लिए चाहिए, तो वो एक अपने आप को दो. जितना मर्जी आपका स्केड्यूल टाइट हो, एटलीस्ट पूरा दिन नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट 3-4 आवर्स अपने लिए वो निकालो. सो जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दोज आवर्स. तो जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो उस टाइम में करो, उस दिन प्रॉपर करो, एक अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को अपना इंजॉय करो उस दिन. तो ये है मेरी फ्यू हेल्दी हैबिट्स जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और आई होप कि आपको भी आप भी इनको फॉलो करोगे. अगर आप नहीं करते हो तो अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगेंगी और आप इनको इन पे ज़रूर वर्कआउट करेंगे. और डू लेट मी नो कि और क्या क्या हो सकता है, थिंग्स न्यू चीज़ें मैं आपसे सीख पाऊँ, एंड आई विल कम विद अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी. बाय.